हेलो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम गो के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो गो के बाद जब हम वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो ऐसा हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए करते हैं जिनमें लोग घूमते हैं। ठीक है, जिनमें जिन एक्टिविटीज़ को करते हैं इसमें लोग घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं, और ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी कोई निश्चित शुरुआत या जिसका कोई निश्चित अंत नहीं होता। स्पोर्ट्स और लेजर एक्टिविटीज़ से संबंधित एक्सप्रेशंस में यह स्ट्रक्चर एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कई बार हम यूज़ करते हैं, जैसे दे वेंट क्लाइंबिंग। ठीक है, दे वेंट क्लाइंबिंग। अब ये मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा। अब सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा जैसे दे वेंट डांसिंग। एक और सेंटेंस लिखता हूँ जैसे मैं दे वेंट फिशिंग। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं चार, जैसे दे वेंट हंटिंग। ठीक है, और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती है जैसे राइडिंग, सेलिंग। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, जैसे दे वेंट राइडिंग या सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में मैंने गो वर्ब यूज की है। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो यहाँ पे गो वर्ब यूज किया मैंने सभी सेंटेंसेस में, और गो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसा हम तब करते हैं, मतलब उन एक्टिविटीज के बारे में बताने के लिए करते हैं जिनमें लोग घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे क्लाइंबिंग जब कोई करता है तो इसमें जो पर्सन है वो घूमता रहता है, डांसिंग में भी, फिशिंग में भी, हंटिंग में भी, जो है राइडिंग में, सेलिंग में, सभी में मूवमेंट करता है। और ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी ना तो कोई स्टार्टिंग, कोई निश्चित जो है स्टार्टिंग होती है, ना इनका एंडिंग होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या लेजर एक्टिविटीज़ हैं, LEISURE। ठीक है, लेजर एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। तो स्पोर्ट्स या लेजर एक्टिविटीज़ से संबंधित जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, गो प्लस आईएनजी का प्रयोग चीज़ों को खोजने या इकट्ठा करने के बारे में भी किया जाता है। चीज़ों को खोजना मतलब सर्च करना या इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इन दो ये दो काम करने के लिए भी जो है हम गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई थिंक आई विल गो शॉपिंग टुमारो। आई विल गो शॉपिंग टोमैरो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं चीज़ों को इकट्ठा करने की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं शॉपिंग करूँगा तो मैं चीज़ों को कलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर एक तरह से चीज़ों को कलेक्ट करने का रेफरेंस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था आईएनजी का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ इन जून ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स गो लुकिंग फॉर जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चीज़ों को इकट्ठा करने के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन खोजने के बारे में बात कर रहा हूँ। अब क्या खोज रहा हूँ मैं, जॉब्स। तो यहाँ पर भी मैंने गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। तो गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम चीज़ों को खोजने या इकट्ठा करने के
बारे में बात करते समय भी करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं शॉपिंग करूंगा तो मैं चीज़ों को कलेक्ट करूंगा, क्योंकि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो चीज़ों को हम खरीदते हैं और उनको अपने बैग में रख देते हैं, मतलब चीज़ों को एक तरह से कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट करने का रेफरेंस मिल रहा है, तो गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम चीज़ों को खोजने की बात करें, मतलब जॉब्स को खोजने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को खोजने या चीज़ों को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग इस तरह से हमने किया है। इसी प्रकार से यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे कमल कमल इज गोइंग, कमल इज गोइंग फ्रूट पिकिंग, फ्रूट पिकिंग टुमारो। अब यहां पर भी जो है चीजों को कलेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को कलेक्ट करने की बात हो रही है, किन चीज़ों को कलेक्ट करने की बात हो रही है, फ्रूट्स, मतलब कमल जो है वो कल फ्रूट पिकिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ों वो फ्रूट पिकिंग के लिए जाएगा तो फ्रूट्स कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग किया गया है। अब ये जो गो है ना, इसको आप किसी भी टेंस में रख सकते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, मतलब जिस टेंस में आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं उस टेंस में ये गो वर्ब चली जाएगी, मतलब टेंस जो है टेंस को रिसीव करने वाली जो वर्ब होगी वो होगी गो। तो इस तरह से हम जो है गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग चीज़ों को खोजने या चीज़ों को कलेक्ट करने के संदर्भ में करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग नहीं करेंगे जिनकी शुरुआत और अंत जो है वो डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच है, आप क्रिकेट का मैच है या फुटबॉल का मैच है उसको आप देखने जाते हैं, तो क्रिकेट का मैच या फुटबॉल का मैच जो भी मैच होता है, मतलब उसकी एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है, मतलब डेफिनेट शुरुआत होती है और डेफिनेट उसका अंत होता है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, अगर मैं मान लीजिए फोर्थ सेंटेंस लिखता हूँ और मैं कहता हूँ दे आर गोइंग वॉचिंग ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच। अब यहाँ पे आप अगर गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल मैच को आप देखने जा रहे हैं तो फुटबॉल मैच की जो बिगिनिंग होती है और जो एंड होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के लिए करना है जो जिनका जो शुरुआत है वो डेफिनेट नहीं होती और ना ही उनका जो अंत है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद है, अगर आप गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इसके बाद अगर आप कोई एडवर्ब फ्रेज यूज करना चाहते हैं, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये एडवर्ब फ्रेज क्या होगी, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ डायरेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई वेंट स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा सी वेंट शॉपिंग एट रेमंड्स, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखिए गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, यहां पर गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, और इसके बाद ये जो फ्रेज है ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है ये, यहाँ दोनों ही केसेस में, दोनों ही सेंटेंसेस में एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस क्या होती है, जो वेयर का रिप्लाई होती है, तो ये वेयर का रिप्लाई है यहाँ पे। जैसे आई वेंट स्विमिंग, ठीक है, मैं स्विमिंग करने गया, कहाँ पर गया, इन द रिवर, तो ये वेयर का रिप्लाई है। तो वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस होता है। अब यहाँ पर देखिए सी वेंट शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए गई, कहाँ गई, एट रेमंड्स, तो ये जो है ये भी वेयर का रिप्लाई है, ये फ्रेज जो है
ये भी वेयर का रिप्लाई है। तो इस तरह से आप गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद अगर आप एडवर्ब फ्रेज यूज करना चाहते हैं तो वो वेयर का रिप्लाई हो सकती है, मतलब वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो सकती है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ डायरेक्शन नहीं होगी किसी भी सूरत में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।